कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों के चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों पर खतरा बताते हुए उन्हें वापस बुला लिया है और कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। इस बीच कनाडा के सांसद ने ट्रूडो के देश की असलियत बताई है। कैनेडियन सांसद चंद्रा आर्या ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों के चलते हिंदू समुदाय डरा हुआ है। भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू लगातार भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। पन्नू और खालिस्तानी समर्थकों की धमकी की वजह से कनाडा में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वहां के सांसद चंद्रा आर्या ने चिंता जाहिर की है। हाउस ऑफ कॉमन्स में नेपियन से सांसद चंद्रा आर्या को खुद भी पन्नू ने धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीते कुछ महीनों के दौरान कनाडा में भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चंद्रा आर्या ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। एक वीडियो संदेश में चंद्रा आर्या ने कहा, मैंने हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में कनाडा भर के हिंदुओं की चिंताओं को सुना है। एक हिंदू सांसद के रूप में मैं भी इन चिंताओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हूँ। चंद्रा आर्या ने बताया कि पिछले सप्ताह ही एडमॉन्ट में एक हिंदू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी कि RCMP की सुरक्षा में जाना पड़ा, क्योंकि खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि कनाडा के भीतर किसी भी रूप में विदेशी ताकतों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या भागीदारी अस्वीकार्य है। कैनेडियन होने के नाते हम नहीं चाहते कि कनाडा अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे। इसी तरह हम भी नहीं चाहते कि विदेशी सरकारें कनाडा के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करें, जिसमें खालिस्तानी उग्रवाद से जुड़े मामले भी शामिल हैं। ये एक कनाडाई समस्या है और इसे हल करना हमारी सरकार और हमारे कानून प्रवर्तक एजेंसियों का काम है। आर्या ने आगे कहा, कनाडा में हमने खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद की गंभीर समस्या को पहचाना है। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक किसी भी राजनेता या सरकारी अधिकारी को हिंदू कैनेडियाई लोगों को आश्वस्त करते हुए नहीं सुना है, जिनमें से कई हाल की घटनाओं के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित और डरे हुए हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू लगातार चंद्रा आर्या को धमकी दे रहा है। कुछ समय पहले पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा था कि चंद्रा आर्या और उनके समर्थकों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। चंद्रा आर्या कनाडा में भारत के एजेंडे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने ही घर में घिरते भी जा रहे हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने अगले चुनावों से पहले ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर दी है, ये कहते हुए कि जनता अब उनसे ऊब चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।